नमस्कार, मैं पीएन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं पीएन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2020 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि शिफ्ट वाइज आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनके कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, इजी शिफ्ट वाले हैं उनके कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, जो एवरेज शिफ्ट वाले हैं उनके कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। उसके अलावा आपका जो जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा उसके हिसाब से आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेन जो फाइनल जॉब है वो कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो यहाँ पे मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि कितना स्कोर होने पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा टीयर टू की आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, टीयर टू की आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो वो सारा कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो एमटीएस 2020 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ये है आपकी आंसर की, आप लोग देख पा रहे होंगे 12 तारीख को आपकी आंसर की रिलीज कर दी गई थी। तो आप सभी ने अपने मार्क्स जो हैं वो मिला लिए होंगे कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो सभी को अपने मार्क्स पता चल चुके हैं और मैंने मार्क्स को जानने के लिए अपने चैनल पर पोल भी कराया था। अभी मैं आपको पोल भी दिखाता हूँ जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि किस रेंज में ज़्यादातर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि डाटा जितना हमारे पास होगा कहीं ना कहीं हम उतना ही डिटेल में और सही एनालिसिस दे पाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे एसएससी एमटीएस 2020 की आंसर की आने के बाद मैंने अपने चैनल पे पोल कराया था और मैंने स्टूडेंट के मार्क्स जो थे वो जानने चाहे थे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पोल में कि 50 से 60 के बीच में 22% लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, 60 से 70 के बीच में 25% लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, 70 से 80 के बीच में 34% लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, 80 से 90 के बीच में 10% लोगों के मार्क्स आ रहे हैं और 90 प्लस जो हैं वो 9% है। तो ज़्यादातर जो मार्क्स स्टूडेंट के आ रहे हैं वो 60 से 70 और 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि मोस्टली जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो किस रेंज से किस रेंज के बीच में है। कुछ और डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, एक और चैनल है जिसका मैंने डाटा उठाया है। तो यहाँ पे 80 प्लस 15% के मार्क्स हैं, यहाँ पे 951 लोगों ने वोट दिया, 75 से 80 के बीच में 13% लोगों के मार्क्स हैं, 70 से 75 के बीच में 14% स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 65 से 70 के बीच में 14% स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 60 से 65 के बीच में 43% लोगों के मार्क्स हैं। यानी कि 60 से 65 के बीच में जो नंबर लाने वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि कह सकते हैं ओवरऑल जो मैंने आपको दोनों डाटा दिखाए उससे हम कह सकते हैं कि आपके जो स्कोर बना स्टूडेंट का वो 60 से 75 इसके बीच में जो एवरेज स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो हैं ज़्यादातर आ रहे हैं। 60 से 75 के बीच में लगभग जो हैं आप ये मान के चलो कि 70% बच्चे जो हैं वो इस रेंज के बीच में आ रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि शिफ्ट वाइज स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से आए हैं, इजी शिफ्ट में कितने मार्क्स आए हैं, हार्ड शिफ्ट में कितने मार्क्स आए हैं, और उसके हिसाब से उन्हें जो नॉर्मलाइजेशन है उसका कितना क्या बेनिफिट मिलेगा और कितने क्या उनके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। ये आप लोगों के सामने सभी शिफ्ट का डाटा है। यहाँ पे इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट और एवरेज शिफ्ट में जो स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं वो सारे शिफ्ट वाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, और आंसर की के बाद जो हमने पोल कराया उसमें भी यही डाटा सामने निकल के आया है। तो अगर हम बात करें हार्ड शिफ्ट की तो देखो ये सारी शिफ्ट जो है वो हार्ड है। किनको मैं हार्ड शिफ्ट कहूँगा, देखो जिनके मार्क्स 70 तक बनने हैं वो सारी शिफ्ट जो हैं वो हार्ड है। तो ये वाली जो शिफ्ट हैं वो आपकी हार्ड शिफ्ट हैं, और इधर अगर हम बात करें जो 72 से 73 के बाद ये वाली जो शिफ्ट हैं वो सारी की सारी इजी शिफ्ट हैं। उसके बाद ये जो बीच वाली शिफ्ट हैं ये कौन सी हैं, ये आपकी एवरेज शिफ्ट हैं। तो अगर मैं बात करूँ मार्क्स इंक्रीज होने की, देखो इस बार अगर आप देखेंगे इजी और हार्ड शिफ्ट के बीच में, इजी शिफ्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो 77.84 है और हार्ड शिफ्ट में जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो कितने हैं 66.27, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 11 नंबर का है। तो इससे कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो कहीं ना कहीं उसमें एक डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन किया गया। और इस बार अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता है कि जो इंग्लिश आई है वही आपकी एवरेज आई है। बाकी अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस का लेवल काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा मैथ्स भी अगर एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आई थी। उसके अलावा रीजनिंग भी कुछ शिफ्ट में आपकी बहुत अच्छी आई थी, जिस वजह से आप लोग ये देख पा रहे होंगे चेंजेस जी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के बीच में इतने कम नंबर का डिफरेंस है। अगर इसी चीज़ को अगर आप 2019 में देखते तो इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में 40-40 नंबर का वेरिएशन था, और यही वजह है कि इस बार आपका जो कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है, वो उसमें
कम से कम ये आप मान के चलो कि 10 नंबर की गिरावट तो आएगी, लेकिन ये जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगी। ये मैं फिर इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर वैकेंसी आपकी 2019 के इक्वल आती हैं, जैसा कि अनुमान है कि आएंगी, तो आपकी जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ वो 2019 से 10 नंबर तो आपकी कम रहेगी, और अगर वैकेंसी कम रहती हैं तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ आपको देखने को मिले, क्योंकि सारा कुछ वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर वैकेंसी 2019 से भी ज़्यादा आती है तो कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ में जो कमी है वो और ज़्यादा हो सकती है आपकी फाइनल जो कट ऑफ है। अगर मैं बात करूँ नंबर इंक्रीज़ होने की नॉर्मलाइजेशन में, चूँकि आपने देखा कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो SSC ने क्या किया, इस बार चाहे CHSL का एग्ज़ाम लिया हो या CGL का लिया हो या MTS का, उन्होंने जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको मेंटेन रखने का प्रयास किया, इसी वजह से आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ हार्ड शिफ्ट में, तो हार्ड शिफ्ट में आप ये मान के चलो कि जो स्टूडेंट के मार्क्स जो इंक्रीज़ होंगे वो मैक्सिमम 15 नंबर तक आपके इंक्रीज़ होंगे, मैक्सिमम 15 नंबर तक आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। वो डिपेंड करेगा, देखो नॉर्मलाइजेशन जो है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपने कितना एक्यूरेसी के हिसाब से अपना जो पेपर है वो अटेम्प्ट किया। जैसे क्या है कि आपने हो सकता है कि बहुत कम क्वेश्चन गलत किए हों, तो उससे कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो जो नॉर्मलाइजेशन है उसका प्रोसेस जो है पूरा, सारी चीज़ें जो हैं उसमें कैलकुलेट होती हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका जो हार्ड शिफ्ट में आपका अगर एग्ज़ाम पड़ रहा है, जैसे आपके अगर 12 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें आपने एग्ज़ाम दिया और 66.27 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये आपके 15 नंबर तक इंक्रीज़ हो जाएंगे और जो मार्क्स होंगे वो आपके 80 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हार्ड शिफ्ट है उसमें मैक्सिमम 15 नंबर तक आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर हम बात करें एवरेज शिफ्ट की, तो एवरेज शिफ्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो 6 से 10 मार्क्स जो हैं वो आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। जैसे एवरेज शिफ्ट में है और आपने 70 नंबर स्कोर किया है तो वो कहीं ना कहीं आपका 80-81 इतना पहुँचेगा। और अगर हम बात करें ईजी शिफ्ट की, तो ईजी शिफ्ट में जो आपके मार्क्स हैं वो मैक्सिमम आपके 6 से 7 नंबर जो हैं, ये मान के चलिए 2 भी नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं, 3 भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, और 5 से 6 नंबर आपके ये जो हैं वो इजी शिफ्ट में आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके का आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार अप्लाई होने वाला है। ऐसा नहीं होगा इस बार कि 40-40 नंबर इंक्रीज़ हो, ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो डिफरेंस होगा वो 15 नंबर इंक्रीज़ होंगे, और जो आपकी इजी शिफ्ट हैं उसमें ये जो मैक्सिमम नंबर का डिफरेंस आएगा वो 5 नंबर का आएगा, यानी कि 5 से 6 नंबर आपके इंक्रीज़ होंगे। तो इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होने वाला है। अब बात कर लेते हैं टीयर टू की, क्योंकि टीयर टू भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और उसके बाद बात करेंगे कि सेफ स्कोर कितना रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे टीयर टू के मार्क्स ऐड तो नहीं होंगे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहाँ पे मार्क्स जो हैं वो आपके मैटर करते हैं। तो टीयर टू जो है यहाँ पे आपको नंबर तो उसके नहीं आपके जुड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइनल आपको जॉब दिलाएगा वो टीयर टू ही दिलाएगा। तो टीयर टू को बहुत अच्छे तरीके से फोकस होकर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि टीयर टू जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, और अमूमन ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव में अच्छा नहीं लिख पाते। तो चूंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होता है और लिखना एक स्किल है, तो ये एकदम आपके अंदर नहीं आएगी, तो इसके लिए अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, अभी से रीडिंग करो। देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रीडिंग होनी चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, उसके अलावा आपके अंदर लिखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए ये अलग बात है कि आपके अंदर नॉलेज कितना है, लेकिन नॉलेज होने के अलावा आप कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं ये अलग बात है, ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आप टीयर टू के एग्ज़ाम में 100% अपना सिलेक्शन चाहते हैं, 100% टीयर टू एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे कंप्लीट PDF प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात क्या है कि यहाँ पे हम आपको 40 प्लस जो RTI की कॉपी है स्टूडेंट की, वो आपको यहाँ पे डिटेल उनका एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिलेगा। उसके अलावा ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे कि कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है। उसके अलावा आपकी डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, सारे जो आपके इंपॉर्टेंट ऐसे हैं 100 प्लस उनकी आपको PDF मिलेगी, लेटर की PDF मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई बुक्स वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और डेली आपको यहाँ पे प्रैक्टिस अवेलेबल होगी, और ये जो प्रैक्टिस है वो हम आपकी तब तक कराएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो इतनी कम है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप WhatsApp पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना रहेगा। देखिए अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ
अगर आप इजी शिफ्ट में हैं तो आपके अगर मार्क्स 75 बन रहे हैं या 75 से ऊपर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। मेरी बातों को समझिए, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो 75 नंबर अगर इजी शिफ्ट में आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके मार्क्स 5 भी नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, 3 भी इंक्रीज हो सकते हैं, 4 भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो इजी शिफ्ट में अगर आप हैं तो 75 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप एवरेज शिफ्ट में हैं, एवरेज शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था तो ये मान के चलिए अगर आपके 70 प्लस नंबर बन रहे हैं तब भी आप सेफ हैं। और अगर आप हार्ड शिफ्ट में थे तो ये मान के चलिए कि अगर आपके 65 प्लस मार्क्स हैं तब भी आप कहीं ना कहीं सेफ हैं, आपको फाइनल जॉब मिल जाएगी। और ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आपकी जो कट ऑफ है वैकेंसी का, उस पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। वैकेंसी कितनी की आती है इस बात पर डिपेंड करेगी, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो कट ऑफ है वो 2019 से तो कम जाएगी। जैसे अगर 2019 में 90 नंबर कट ऑफ गई तो ये मान के चलिए कि इस बार जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 80 नंबर पर होगा, तो इतना आप मान के चलिए। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा तो सारी बातें आप समझ पाए होंगे। कट ऑफ है आपकी वो कहीं ना कहीं वैकेंसी पे तो बहुत हद तक डिपेंड करेगी आपकी, लेकिन इतना तो तय है कि 2019 से कट ऑफ कम जाने वाली है। और अगर वैकेंसी बहुत ही कम आए तो ये भी हो सकता है कि उसके इक्वल भी जाए। देखो मैं सारी चीज़ें आपके बीच में क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर वैकेंसी उससे कम होगी तो हो सकता है कि कट ऑफ आपका उसके इक्वल हो जाए, और अगर वैकेंसी ज़्यादा होगी तो कट ऑफ बहुत कम हो सकता है आपका। तो सारा कुछ डिपेंड करेगा वैकेंसी पे, लेकिन जो अनुमान है, जो प्रेडिक्शन है हमारा, वो ये है कि 2019 से आपका जो कट ऑफ है वो कम रहेगा। और जितने मैंने मार्क्स बताए आपको इजी, हार्ड और एवरेज के हिसाब से, उतने अगर आपके बन रहे हैं तो आपको टीयर 2 जो एग्ज़ाम है उस पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर आप टीयर 2 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कोर्स के साथ इनरोल हुई है। कोर्स के बारे में अगर कोई भी डिटेल जाननी है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।